ये तो हरबे हैं, उसका एक हिस्सा है कि ताकि हम दस्तबरदार हो जाएं जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक की बात करने से। ये हर एक चीज़ उसे उसे हदफ तो वही है। अब देखिए, हमारा अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, लेकिन हदफ तो यही है ताकि ये कैसे हो सकता है कि अभी 20 साल पहले जिस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप कहते थे कि आप जिनेवा जाके हमारी तर्जमानी कीजिए, आप न्यूयॉर्क जाके हमारी तर्जमानी कीजिए, और जिनके साथ हम एजेंडा अलायंस करते थे, ये क्या बात हुई कि अचानक आपको उनमें देशद्रोह नजर आता है? ये सारे हरबे जो हैं जनाब, ये सारे हरबे हैं कि हम दूर रह जाएं, हम दस्तबरदार हो जाएं, हम खामोश रह जाएं, या हम 5 अगस्त के फैसलों को मंजूर करें। वो हो नहीं सकता है। देखिए, क्योंकि वो फैसले जो है वो यही नहीं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ थे, बल्कि वो मुल्क के अवाम के खिलाफ है। एक बड़ा ड्रेन हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपको नजर है हालात पर। देखिए, पिछले एक साल में कहा, देखिए 100 के करीब एनकाउंटर्स, 20 के करीब उसमें शहरी अरातों में एनकाउंटर्स, और देखिए अब कैसी जान माल का ज्यान नुकसान है, बस्तियाँ जल रही है, लोग जान से हाथ धो रहे। तो ये वही पका वही रहा। तो ये एक काविश है, ये कोशिश है कि हम वो दस्तदार उससे हो जाए। बात यह एंगेजमेंट से कौन 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 आपको रोकता है एंगेजमेंट से? बात यह है कि मुख्तलिफ पहलू हैं हमारे जद्दोजहद के। एक कानूनी पहलू है, लेकिन कानूनी पहलू ही सब कुछ नहीं है, बाकी सियासी पहलू है। हर एक अपनी कोशिश करे उसकी बात, लेकिन बात ये हम वाजिया करना है, हमें हर गुजरते दिन के साथ हमें वाजिया करना है लीडरशिप पर कि आपके 5 अगस्त के फैसले थे मुल्क के हक में नहीं थे। आपके जो 5 अगस्त के फैसले थे उससे नुकसान नाकता काबिल तलाफी नुकसान पहुँचा मुल्क को, मुल्क की मईशत को। देखिए, करोड़ों रुपए जिसकी अभी देखिए, आज आप देखिए निसब तनख्वाह पर कोई कई एक महकमों में कहीं पर रोज़गार नहीं है, कहीं पर उनके जो मुआवजे हैं या उनके जो हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में आप इल अफोर्ड कर सकते हैं कि 6,500 करोड़ रुपए आप सड़कों पर अमन का कायम रखने के लिए कहें, जबकि हेल्थ केयर के लिए एक्सेस नहीं है हमारी बच्ची को बाहर, रोज़गार नहीं है, लोग आत्महत्या हो रही है, फार्मर सुसाइड हो रहे हैं। तो जनाब, हमने हमारा ये होनी चाहिए कोशिश कि वाजे करें कि आपके वो सही फैसले नहीं थे और वो फैसले आप पलट दीजिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नई पैकेज लेकर जा रहे हैं, सियासी पैकेज, आप मुबारकबाद दे रहे हैं 20 दिसंबर 2020 को, अभी एक 2 महीने पहले मिजोरम के मणिपुर के अवाम को आपको इनर लाइन परमिट दिया गया, अगर आप वोटोज़ के साथ कर रहे हैं, अगर आप नागाज के साथ इस वक्त कर रहे हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो क्या बात है जम्मू कश्मीर के में नहीं हो सकता? ये इनकी तरफ से खुद ही अपने आप की वो अपनी आप की ही तरदीद करते हैं, सेल्फ कंट्राडिक्ट करते हैं। क्या तिरंगा नहीं फैलाया जाता था यहाँ 15 अगस्त को, 26 जनवरी को फैलाया जाता कि नहीं जाता? ये क्या बात हुई भाई? आप तिरंगे जो हैं, आप ये मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कीजिए, जो एलिनेशन हुई है वो दूर कीजिए, वो इकदाम आप ख़त्म कीजिए जिनसे एलिनेशन हो गई है। वही बात है, ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? इसका ये जो माइंडसेट आपका है ये कुछ और दिखलाता है। ये जो आपका माइंडसेट है, यहाँ ये लहरा है यहाँ, इससे आपका ये क्या कभी किसी ने इससे नहीं लहरा है? लेकिन ये जो ना आप बात कर रही हैं, ये इस बात से कोई मदावा होने वाला नहीं है, ज़मीनी सतह पर कोई मरहम होने वाला नहीं है, ये कॉस्मेटिक्स है। ऐसी आप चीज़ें कर रहे हैं जो अभी यहाँ निर्जशन कीजिए, यहाँ रेस कीजिए, ये साइकिल दौड़ कीजिए, हमने 53 से नहीं देखा। क्या दरियाई जुलूस 53 के बाद नहीं निकले? क्या जश्न कश्मीर, शबी शालमार, सुबह निशात नहीं हुआ? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। बा होगा तब जब 1,25,00,000 लोगों के हकूक को रिस्पेक्ट किया जाएगा, जो हमसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे किए जाएं। हमने जो शमूलियत की थी वो कुछ वादों पर की थी, वो वादे उन वादों को वो पूरा किया जाए, और अगर कोई गलती की, जो भी गलतियाँ की गई है, उनको उन गलतियों को ख़त्म करके, अंडू करके आप हुकूक का एहतराम कीजिए, तभी हो जाएगा। बाकी एक फ़र्द से ये नहीं है, आप एक फ़र्द के खिलाफ आप काम करेंगे, काम कहेंगे ये एजेंसी आपके आपके खिलाफ काम करिए, दूसरी एजेंसी के, उससे क्या होगा?